नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त दीपक कापट, गुड मॉर्निंग। इससे पहले वाले वीडियो में आप लोगों ने देखा दोस्तों, हम लोग रायपुर से मुंबई और फिर मुंबई से गोवा आए। थीम रेलवे स्टेशन में हम लोग एग्जिट लेने के बाद थीम में ही रुक गए थे। अभी भी हम लोग थीम में ही हैं और अभी बस स्टैंड के पास जा रहे हैं। कोई बस लेके हम लोग मापुसा जाएंगे और मापुसा से फिर हम लोग एरम्बोल बीच जाएंगे। ये बस तो लगी हुई है, शायद मापुसा जाए तो सही। फिर वहाँ से हम लोगों को एक और बस में एरम्बोल बीच जाना है। यहाँ बस स्टैंड पहुँच गए हम लोग, लेकिन मैं उधर चला गया था। सत्य भाई अभी बस स्टैंड में ही है। मैं वीडियो अपलोड करने के लिए गया हुआ था दोस्तों, क्योंकि जिधर से हम लोग आए रास्ते में बहुत अच्छा नेटवर्क मिला था, तो वीडियो अपलोड करना था। मैंने अपलोड कर दिया है यहाँ पहुँचने तक का, थीम तक का। और अभी सत्य भाई के साथ कुछ खा लेंगे, 10 बज गए हैं लगभग। आज वीडियो लेट से अपलोड किया। इधर सत्य भाई बैठे हुए हैं। ये मापुसा की बस स्टैंड, इस बस से जाएंगे हम लोग। बस चेंज कर लिया हम लोगों ने, स्कूटी से भी जा सकते थे दोस्तों, लेकिन हम लोग वहाँ एरम्बोल बीच में 2 दिन रुकने वाले हैं, वहाँ ज़्यादा इधर उधर घूमना नहीं होगा। ये देखिए पूरी बस फुल है, अभी 10 मिनट का टाइम और है, फिर छूटेगी ये बस। अगर कम दिनों के लिए आएँ तो सबसे अच्छा यही है कि आप स्कूटी रेंट पर ले लें, कि किसी भी रेलवे स्टेशन पर आप उतरे, थीम में, मडगांव में, करमली में, वास्को डिगामा, कहीं भी, तो आप वहाँ से स्कूटी रेंट पे ले लीजिए। 2-3 दिन घूमिए आराम से, फिर वापस घूमने के बाद वहीं आप स्कूटी को जमा कर दीजिए और फिर आप लोग चले जाइए ट्रेन में, जहाँ आप लोगों को वापस जाना है। लेकिन हम लोगों को ज़्यादा रुकना है ना, अभी 2 दिन तो हम लोग कहीं घूमने ही नहीं वाले हैं एरम्बोल बीच में। बस भाई रिलैक्स करना है आराम से, वहीं पर ट्रैकिंग करेंगे, वहाँ पर एक लेक भी है। तो 2 दिन स्कूटी ऐसे ही खड़ी रखना और उसके लिए रेंट पे करना सही नहीं है ना, इस वजह से बस से जा रहे हैं हम लोग। फिर वहाँ से हम लोग ले लेंगे स्कूटी केलंगोट या फिर कहीं आसपास जहाँ भी मिल जाए, या फिर हम लोग फिर बस से यहाँ आ जाएंगे। मापुसा में तो बहुत सारे रेंटल स्कूटी मिलते हैं। बस पहुँचने वाले हैं अभी। यार मेरा फ़ोन गिर गया था बहुत ज़ोर से। सत्य भाई इधर बैठे, कहाँ गया? ये वाला कभी भी बारिश हो जाती है यहाँ पे। पहुँच गए भाई एरम्बोल। इधर कुछ दूर में हम लोगों ने एक होटल बुक किया है, वो मेन बीच से थोड़ा दूर है शायद। कॉल करता हूँ भैया को। एरम्बोल का जो बीच है वो इधर है दोस्तों। बस स्टैंड पे उतरे और फिर जा रहे हैं वॉक करके, और उधर में ही हमारा जो कॉटेज है उधर ही है। 1.5 किलोमीटर दिखा रहा है यहाँ से, स्वीट लेक के बिल्कुल पास में है कॉटेज का नाम स्वीट वैली कॉटेज है दोस्तों। थीम रेलवे स्टेशन से ये एरम्बोल की दूरी लगभग 30 किलोमीटर है दोस्तों। थीम टू मापुसा 10 किलोमीटर और मापुसा से ये एरम्बोल लगभग 20 किलोमीटर। ये सत्य भाई का स्वैग देखिए दोस्तों। मज़े ले रहे हैं यहाँ पे। गोवा में आने का असली फ़ायदा तो यही उठा रहे हैं। ये आगे बीच है एरम्बोल का। देखिए ये एरम्बोल का मेन बीच इधर है, लेकिन हम लोग पहले वहाँ जाएंगे जहाँ हम लोग को स्टे करना है दोस्तों। यहाँ पर डेली नीड्स और ठेले वगैरह कम है, यहाँ पर वाइन शॉप ज़्यादा है दोस्तों, और बहुत सस्ते हैं यहाँ पर वाइन्स। अभी एक बियर लिया सत्य भाई ने 45 रुपीज़ का। हाँ ठीक है, थैंक यू, बताऊँगा। हाँ ठीक है, कार्ड है क्या आपका? दे दो। कितना आपका प्राइस तक का है? 600, 800, 400, 500 जैसा आपको दिन लगे। ठीक है भैया, मैं देखता हूँ। हाँ थैंक यू। ये गली सजेस्ट कर रहा है हम लोगों को गूगल, जहाँ हम लोगों ने रूम लिया हुआ है वो एक यूनिक जगह में है दोस्तों। बहुत ट्रेडिशनल से रूम बने हुए हैं, और वैसा प्लेस मुझे तो बहुत पसंद है। आप लोगों को पता है रूम पहुँचने तक का जो हमारा ये सफ़र होने वाला है थोड़ा एडवेंचरस सा होने वाला है, क्योंकि बीच के एकदम किनारे हम लोग पहुंच जाएं आसानी से वैसा नहीं है। आप लोग देखिएगा वीडियो में। ये समंदर देखिए दोस्तों, एरम्बोल बीच। मेन बीच तो उधर है, उसी का एक छोर है। ओ, एक बार पहुंच जाते हैं पहले हम लोग,
कॉटेज पे, उसके बाद घूमेंगे भाई दबा के। सत्य भाई को कुछ खरीदारी भी करना है, टी शर्ट्स, इसके फेवरेट हाफ पैंट, और शूज लेना है, हम दोनों को रेनकोट लेना है जो कि हम लोग नहीं ले पाए थे। यहाँ से और थोड़ी देर हम लोगों को पैदल चलना पड़ेगा। एक दो यहाँ पर भैया लोग थे, वो लोग बोले कि हम लोग उधर पार्टी करने के लिए जाने वाले हैं, तो हमारे साथ चलना, तो हम लोग बस उन लोगों का वेट कर रहे हैं। ये उबड़ खाबड़ भरा रास्ता पार करके हम लोगों को जाना है। ये ट्रॉली बैग लेके आने का मेरा फैसला गलत साबित होता हुआ दोस्तों, रक्षक बैग ही सही है। अब दोबारा कभी मैं लंबे सफर में ये ट्रॉली बैग नहीं लेके आऊंगा। ये मेन रास्ता है, फिर और कोई रास्ता है? नहीं, यही है। ये स्वीट वाटर लेक, तो दोस्तों ये है आज का हम लोगों का कॉटेज। और इधर मिले ये हैं अमित भैया जी और ये रिचर्ड भैया जी। अभी हम लोग पहले जंबे की धुन सुनते हैं, फिर आप लोगों को मैं रूम दिखाऊंगा, ठीक है दोस्तों? तो दोस्तों आप लोगों ने भी सुना जंबे की धुन। और इधर देखिए दोस्तों, इधर है स्वीट वाटर लेक, और स्वीट वाटर लेक के बगल में आप देख सकते हैं खूबसूरत सा बीच। ये एक प्राइवेट हिडन बीच है जो आरामबोल बीच का ही एक छोर है, आप बोल सकते हैं हिस्सा है। ये प्रॉपर्टी भी पूरी तरह एक प्राइवेट प्रॉपर्टी है। ये स्वीट वैली कॉटेज बहुत खूबसूरत जगह पे दोस्तों, आप लोग तो देख ही रहे। अगर आप लोग यहाँ पर आना चाहते हैं तो आकर रुक सकते हैं, बहुत ही चीप रेट में है, 500-700 के कैटेगरी में है। अभी जो हम लोग रुके हुए हैं ये 700 एक नाइट का है, एक दिन का मतलब। और हाँ, ऑफ सीजन वो तो 1500-2000 तक भी जाता है। अभी तो ऑफ सीजन है तो प्राइस सस्ते हैं यहाँ पर रूम्स के, लेकिन ऐसा नहीं है, जब आप मेन सीजन पे आएंगे विंटर्स पे तो भी भैया जी थोड़े सस्ते ही रेट कर देंगे। आप लोग बता दीजिएगा कि आप लोग मेरे दोस्त हैं, दीपक आपट के दोस्त हैं, ठीक है? भैया जी फुल एंजॉय करते हैं, भैया जी साउथ से हैं और ये बड़े भैया ये एमपी से हैं। तो चलिए मैं रूम दिखाता हूँ पहले आप लोगों को। और हाँ, एक बात, आप लोग यहाँ आना चाहते हैं, चूंकि ये जो जगह है थोड़ा एक हिडन जगह पे है ना, तो आप लोगों को सहूलियत हो, इसके लिए मैं आप लोगों को एक नंबर दे देता हूँ भैया जी का, अमित भैया जी का, तो आप कॉल पे ही रूम बुक कर सकते हैं, ठीक है? चलिए रूम दिखाता हूँ मैं आप लोगों को।
ये जो बोरी का होता है ना जो रस्सी, उससे बनाया गया है ना सही। इससे ज़्यादा क्या लग्जरियस हो सकता है, आप रूम से निकले हैं और ये खूबसूरत सा ये बीच, ये स्वीट वाटर लेक आप लोगों को देखने को मिलेगा, है ना यार। पंखा में बंद कर दूँ क्या? अरे भाई ये तार वार की दिक्कत है यार दोस्ती। दोस्तों यहाँ पर हम लोगों ने 2 दिन का स्टे रखा है क्योंकि हम लोग भाग दौड़ भरा नहीं चाहते थे, इतना खूबसूरत यहाँ पे नज़ारा है। पहले तो हम लोग कल आज नहीं, आज तो हम लोगों ने नहा लिया है, कल स्वीट वाटर लेक में एकदम अच्छे से नहाएंगे, खूब सारा मस्ती करेंगे। और अभी तो बीचेस में नहाना मना किया गया है, वहाँ पे जो लाइफ गार्ड होते हैं वो सीटी मारते हैं जब आप समंदर के अंदर जा रहे होते हैं नहाने के लिए। तो स्वीट वाटर लेक है यहाँ पे, जो कि खारा नहीं है, साफ पानी है वहाँ पे। तो ये रूम था दोस्तों, आप लोग एक बार और देख ले, इधर लाइट्स देखें, उसकी कलाकृति देखें आप लोग। और यहाँ पर 3-4 जंबे है, जो इंस्ट्रूमेंट है बजाने वाला वो बजाइए। तो रिचर्ड भैया कितना टाइम चलना है, चले अभी चले? रिचर्ड भैया मस्त इंसान है यार, खाना हो गया अभी, आओ खा लेगा, हाँ खाना खाओ बाद में चले, ठीक है आप बजाओ। किचन हाथ दे वाला फोटो खिंचवा दे क्या करना मैडम? हेलो, दाल चावल खा रहा हूँ दोस्तों, मैं भूख लग रही थी, अभी फॉरेस्ट जाएंगे थोड़ा एनर्जी चाहिए ना, चावल खाने के बाद नींद आता है वैसे, लेकिन मुझे नहीं आएगा। गुड इवनिंग दोस्तों, अभी हम लोग बीच साइड में जा रहे हैं, यहाँ आने के बाद बस यहीं पे थे और यहाँ से देख रहे थे स्वीट वाटर लेक और बीच को, और अभी जा रहे हैं हम लोग बीच साइड में जब सनसेट हो रही है। सनसेट के टाइम पे ये समंदर और भी खूबसूरत हो जाता है दोस्तों। अब जाना किधर से भाई? हाँ यहाँ पर एक ब्रिज बनाया गया था दोस्तों, जो कि अभी बारिश की वजह से टूट गया। हाँ देख भाई फेंका भे, मत जा, आ जा इधर से, यहाँ देख यहाँ सीढ़ी है, उधर काटा है पेड़ में। लेकिन यहाँ पर रेस्ट्रिक्शंस हैं भाई, आप लोग ज़्यादा देर तक यहाँ पर या फिर थोड़ा ज़्यादा अंदर तक नहीं जा सकते समंदर के लहरों के बीच में, नहीं तो सीटी बजा दिया जाएगा। दोस्तों इधर हम लोग रुके हुए हैं स्वीट वैली कॉटेज, वो दिख रहा है ना, वो देख सकते हैं, वो देख सकते हैं, वो वाला आवाज ही हर होगी ना समंदर के लहरों की आवाज की वजह से, समंदर के लहरों के आवाज का आप लोग एंजॉय लीजिए। जाने मेरी जाने मन बचपन का प्यार वो तू जरूर, वो माइक भी दिख रहा है, मेरा माइक भीज गया यार, भीज गया कथोरे, भीग गया सॉरी। कहाँ जा रहा है? रुक जा। अब आजा, आना, ये तो आने का नाम ही नहीं ले रहा दोस्तों, बंदर के जैसा पुदक रहे। ये देखिए यहाँ पर लेटने के लिए ये सब कुर्सी लगा होता है, पुरी में भी ऐसा है,
यहाँ पर घंटे के हिसाब से लेते हैं कुछ पैसे। हाँ हाँ कहाँ दिखाऊँ? चल चल अतक दूर तक आई तब तो रे, तू हम लोगों का प्यार को क्यों धोना चाह रहा है लाला? इधर एक और हार्ट बनाया हुआ है सत्या भाई ने, लेकिन ये नहीं दुलेगा भाई। डी लव एस तू आ जा रे मेरे समंदर के पानी आ जा, दिल को हमारा तू मिटा जा रे। आओ आओ यहाँ पर अभी हम लोगों ने खूब सारा मस्ती किया दोस्तों। यहाँ से जा रहे हैं अभी रूम के तरफ में, ये वीडियो यहाँ का एंड करते हैं ना, जाके वीडियो एडिटिंग करूँगा फिर कल मॉर्निंग में अपलोड कर दूँगा। जितना पॉसिबल हो पाएगा मैं गैप नहीं करूँगा, ठीक है? आप लोग अपना ख्याल रखिए और नेक्स्ट ब्लॉग का इंतजार करिए। बहुत ही जल्द मिलूँगा मैं आपसे एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय, टेक केयर।